के पास सादिया कोई राज नहीं है। पनामा में भी किन्होंने फैसला दिया है जी मैं कौम को बता दूंगा, गैबी कूफते हैं, धरने के भी राज हैं, तो बताएं कौम को कौन लोग थे जो इन्होंने धरना कराया, कौन लोग थे जो जिन्होंने इनको बाहर भेजा। ये सिर्फ और सिर्फ कौम को गुमराह करने के लिए, सम्पतिज लेने के लिए, ताकि किसी तरह अगले इलेक्शन में हम जाके रोना रो सकें, अपने एक पोलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। और ये इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि 10 साल में पंजाब में ये कोई रिलीफ नहीं दे सके। मैं लाहौर की बात कर लेता हूँ ना, हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। लाहौर में आज भी पीने का साफ पानी नहीं है। 32 साल पहले एक जनाह हॉस्पिटल बना था, 32 साल पहले जनाह हॉस्पिटल बना था उसके बाद कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी। यही बात इमरान खान साहब ने कही है, हमने जो अपने 11 निकाती एजेंडा रखे, देखिए तालीम से शाऊर आता है। अभी मैं देखता हूँ आज टीवी प्रोग्राम्स जाके हल्कों में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अभी भी लोग कहते हैं जी हमें फ़र्क नहीं पड़ा, नवाज शरीफ जो है कामे पे चला गया, ये हो गया, हाँ। वो हो गया। इसलिए ये इन लोगों ने कौम को पढ़ने ही नहीं दिया ताकि ये अपनी लूट मार का मामला। लेकिन वो तो अगले इलेक्शन में उनको अपनी फतह भी नजर आ रही है, और खान साहब को कहते हैं कोई शय नहीं हो तुम, कोई तुम्हारे से मुकाबला नहीं, अंधेरी कुवतों से मुकाबला है। इनको चैलेंज करता हूं, जरदारी साहब पे भी सवाल उठाते हैं, आप किसके एजेंडा पे चल रहे हैं। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, एक तो इन्होंने कहा ना मैं सियासत हूं, ये आधा मनारे पाकिस्तान भर दें, नहीं ठीक है, ये आधा भर दें। जरदारी साहब को कह रहे हैं कि